जेएसएससी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग इन दिनों एक बार फिर विवादों में हैं दरअसल आप जानते हैं कि जेएसएससी ने 28 सितंबर को रांची के शिवा इन्फ़ोटेक में आयोजित डिप्लोमा स्तर के परीक्षा को अपरिहार्य कारण बताते हुए रद्द कर दिया था आयोग ने इस केंद्र पर 28 सितंबर को दोनों पालियां पहली पाली और दूसरी पाली में हुई परीक्षा को रद्द कर दिया था और इसका कारण कुछ नहीं बताया सिर्फ यह लिख दिया कि अपरिहार्य कारणों से परीक्षा रद्द की जाती है मीडिया में खबर है कि उसे केंद्र पर हुई परीक्षा में एक परीक्षार्थी के पास कोई पुर्जा पकड़ा गया था या कागज का कोई टुकड़ा था जिसके बाद आयोग ने उस केंद्र पर यानी शिवा इन्फोटेक में हुई परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया फिर खबर आई कि आयोग की तरफ से इस बारे में एक एफआईआर दर्ज कराया गया है लेकिन आज तक की स्पष्ट नहीं हुआ कि एफ लॉज हुआ कि नहीं और हुआ तो कहाँ हुआ यह कहना है उन परीक्षार्थियों का जो शिवा इन्फोटेक में आयोजित परीक्षा में शामिल हुए थे पहले आप यह वीडियो देख लीजिए तो जितने भी जेई स्टूडेंट हैं जो एग्जाम दिए हैं उनको मैं एक आग्रह करना चाहता हूं कि जो हो रहा है वो कहीं कही न कहीं गलत है जब आयोग के द्वारा कहा गया कि एफ हुआ है तो हम लोग अपने स्तर पर पता किए कहीं एफ नहीं हुआ जब एफ नहीं हुआ तो जांच भी पर भी संशय उठता है और जांच अगर संशय उठता है तो कहीं न कहीं सिवा इन्फोटेक में अभी भी जो लैब स्टडी का रिजल्ट दिया है उसमें घोटाले गो, धांधली की खबर आई है और हम लोग का भी वहीं पे जितना भी काला चिट्टा कारनामा हुआ है 28 का जो एग्जाम हुआ था वो 28 को रद्द न होकर 6 तारीख को रद्द होता है और उसमें कोई एफ नहीं किया गया है तो ये जांच किस स्तर पर हो रही है या सार्वजनिक पोर्टल पर जैसे नहीं निकाली है और ये जांच रिपोर्ट क्या आएगी ये भी निकाली नहीं अगर अगर आपको लगता है कि आपका एग्जाम ये अगर फेयरली हो फेयरली हुआ है तो आपका फेयरली एग्जाम रिजल्ट होना चाहिए लेकिन यहाँ फेयरली का सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि यहाँ कोई एफ नहीं है तो जाँच भी नहीं हो रही है आपको खुद आके इसमें लड़ना होगा आपको सवाल करना होगा सरकार से आयोग से सवाल करना होगा कि जांच किस स्तर पर हो रही है जब बिना एफ आई के ये ये सारे सवाल हैं आपको आना होगा और इसके लिए आप रांची प्रस्थान करें और करें, आपको ये चीज जानना जानने का अधिकार है कि आप जो भी जांच हो रहा है वो आपको अवगत कराया होगा तो देखा आपने परीक्षार्थी कह रहे हैं कि परीक्षा केंद्र पर ना कोई हंगामा हुआ ना परीक्षार्थियों ने कोई शिकायत की परीक्षा के दिन किसी तरह की कोई तकनीकी समस्या भी नहीं आई फिर परीक्षा क्यों रद्द की गई इसका क्या मतलब है यह कुछ पता नहीं चल रहा है आयोग ने केवल अपरिहार्य कारण बताते हुए परीक्षा रद्द की जबकि जेएसएससी को कारण बताना चाहिए था साफ़ साफ़ कारण बताना चाहिए था कि आख़िर ली हुई परीक्षा को किस कारण से रद्द किया गया वह भी एक हफ़्ते बाद परीक्षार्थियों का कहना है कि शिवा इन्फ़ोटेक में डिप्लोमा लेवल की परीक्षा रद्द होने का कारण जानने के लिए डिप्लोमा संघ के कुछ अभ्यर्थी जेएसएससी के अध्यक्ष से मिलने गए थे वहां अध्यक्ष ने उन्हें यह कहकर भरोसा दिलाया कि शिवा इन्फ़ोटेक के ख़िलाफ़ जेएसएससी की तरफ से एफआईआर दर्ज किया गया है लेकिन परीक्षार्थियों का यह कहना है उन्हें यह नहीं बताया जा रहा है कि आखिर किस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है एफआईआर का नंबर क्या है शिवा इन्फोटेक में जिनकी परीक्षा रद्द हुई उनमें से कई छात्र तो अब चौथी बार इस परीक्षा में बैठेंगे क्योंकि 3 जुलाई 2022 कोई परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द करनी पड़ी थी उसके बाद जो परीक्षा हुई उसकी नियोजन नीति रद्द होने के कारण रद्द करना पड़ा और तीसरी बार जो शिवा इन्फोटेक में जिन परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी उनकी परीक्षा आखिर दोस्तों डिप्लोमा स्तरीय परीक्षा कब संपन्न होगी यह जेएससीसी को बताना चाहिए कब परीक्षा पूरी होगी कब नियुक्तियां होंगी यह परीक्षार्थी बेचारे समझ नहीं पा रहे हैं दो साल से इसी फेर में पड़े हुए हैं परीक्षा देते हैं कैंसिल होती जाती आपको बता दें कि नियोजन नीति रद्द होने के बाद तीसरी बार झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इस साल में डिप्लोमा स्तरीय नियुक्ति के एक पदों पर परीक्षा आयोजित करने के लिए विज्ञापन जारी किया था आवेदन करने की आख़िरी तारीख 24 जून 2023 तक थी विज्ञापन के अनुसार सबसे ज्यादा एक पद जूनियर इंजीनियर के हैं मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के 44 पद हैं स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर के 55 पद और पाइपलाइन इंस्पेक्टर के 16 पद इस परीक्षा में हैं लेकिन परीक्षार्थी हल्कान हैं परेशान है बार बार परीक्षा होती है रद्द होती है क्या खेल चल रहा है किसी को समझ में नहीं आ रहा है और आखिर यह परीक्षाएं कब पूरी होगी कब इनका रिजल्ट आएगा और कब नियुक्ति होगी परीक्षार्थियों को इसका बेसब्री से इंतज़ार है आखिर उम्र बीती जा रही है परीक्षार्थियों की भी और इस सरकार की तो आपका इस वीडियो के बारे में क्या सोचा है आपकी क्या प्रतिक्रिया है ज़रूर बताइएगा अगले वीडियो में मिलेंगे तब तक इजाज़त दीजिए धन्यवाद नमस्कार